मैंने पूरा मैट्रिक्स जो है वो फिल कर लिया है एज वी वर डूइंग इट फॉर फ्रॉम द बिगिनिंग. ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम जीरो टिल द लास्ट वैल्यू इन द राइट बॉटम, दैट इज 24. ये आप आई गेस यू विल इजीली सॉल्व दिस होल मैट्रिक्स नाउ. अच्छा, और अब इसका जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज़ टू ट्रेस बैक. ठीक है, अब एक सिमिलैरिटी जो लोकल अलाइनमेंट के साथ थी इस एल्गोरिदम की, वो ये थी कि वी फिल द फर्स्ट रो एंड द फर्स्ट कॉलम विद ज़ीरो, बट डिफरेंस ये था कि रेस्ट ऑफ द मैट्रिक्स वॉज फिल्ड एज ग्लोबल अलाइनमेंट. नाउ फॉर ट्रेस बैक, ठीक है, वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू एंड फ्रॉम दैट मैक्सिमम वैल्यू वी विल ट्रेस बैक टू द वैल्यू टिल ज़ीरो. ठीक है, और ये अब दो तरह से इसके मैट्रिक्स फिल हो सकते हैं, ट्रेस बैक हो सकता है. वन इज़ इफ़ वी स्टार्ट फ्रॉम 25 बिकॉज द राइट मोस्ट कॉलम. ठीक है, राइट मोस्ट कॉलम से अगर हम स्टार्ट करें और हम इसको ट्रेस बैक करें, इफ़ आई एक्सप्लेन यू अ बिट मोर क्लियर, दैट इज़ अगर आप देखें यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें 25 से, राइट, सो इट्स मूविंग फ्रॉम 25 टू 26 एंड फ्रॉम 26 टू 20 एंड देन 20 टू 10 देन 18, फ्रॉम 18 इट इज़ मूविंग टू 3, 3 टू दिस वन एंड 2 टू देन 0. सो दिस इज़ द पोटेंशियल पॉसिबल, नॉट दिस वन, पॉसिबल मैट्रिक्स, राइट. सो मैक्सिमम वैल्यू इन द राइट मोस्ट सेल, ठीक है, ये भी हो सकता है, एंड ऑल्सो दिस कैन बी फ्रॉम दिस 26. सो बोथ आर करेक्ट बिकॉज वी आर ट्राइंग टू फाइंड एनी कॉम्प्लेक्स साइट विच कैन बी प्रेजेंट ऑन द राइट कॉलम और राइट मोस्ट सेल और इन बिटवीन द सेल्स. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे जो आपको मैंने एक फिगर दिखाई थी कि ओवरलैप मैचेस, देखें ये पोटेंशियली राइट मोस्ट सेल के साथ भी अलाइन हो सकता है और दैट कैन बी इन द मिडल ऑफ द रीजन. सो बोथ कैन बी द करेक्ट अलाइनमेंट्स. सो आप दोनों अलाइनमेंट्स इनकी बिल्ड कर सकते हैं. ठीक है, बट वी विल लुक फॉर द मैक्सिमम वैल्यू नियर द मैक्सिमम वैल्यू. सो द मैक्सिमम वैल्यू नियर इज 25 एंड ऑल्सो 26, राइट. अब अगर इसको हम ट्रेस बैक करें, और लेट्स सपोज फर्स्ट वन इज़ ई एंड ए, दिस इज़ अ मिस मैच. सो वी विल राइट ई हेयर एंड देन ए हेयर, राइट. सो वन दिस इज़ अ मिस मैच, देन ई एंड ई का मैच है, सो वी विल राइट ई ई मैच एंड देन 20, दिस वन इज़ फॉर एच एंड एच, सो एच एंड एच का अगेन देर इज़ अ मैच, राइट. नाउ आफ्टर दिस, दिस इज अ जी, जी के अगेंस्ट गैप आ रहा है, देर इज़ नो मैच और मिस मैच अगेंस्ट गैप, सो वी राइट जी एंड देन देर इज़ अ गैप हेयर. नेक्स्ट डब्ल्यू एंड डब्ल्यू का मैच है, सो वी राइट डब्ल्यू एंड डब्ल्यू. एंड नेक्स्ट इज ए एंड ए का मैच है, सो वी राइट ए एंड ए. लास्ट वन इज पी एंड जी, दिस इज अ मिस मैच ऑफ, यू कैन से पी एंड जी, सो जी इज इन द अपर अलाइनमेंट एंड जी एंड नॉट दिस वन पी, इसमें से हमें इसको ये ब्लू लाइन को इसको हमें रब करना है, राइट. दिस वन, दिस इज नॉट अ मैच. सो दिस इज एक्चुअली द ऑप्टिमल अलाइनमेंट, ट्रेस बैक अलाइनमेंट ऑफ दिस इज़ अ ट्रेस बैक. माई राइटिंग इज़ ऑलवेज वेरी गुड. अगर आप मेरी बाकी प्रेजेंटेशन भी देखेंगे तो आपको उसमें नीटनेस बहुत नजर आएगी. सो दिस इज़ द पॉसिबल बेस्ट अलाइनमेंट बिटवीन द टू डिफरेंटली रिलेटेड सीक्वेंसेज. सो आई होप दिस विल हेल्प यू टू परफॉर्म द एनालिसिस और फिल द मैट्रिक्स. एंड कीप इन माइंड के जो फार्मूला है दिस ऑलवेज रिमेन द सेम, दैट इज़ for all the match, mismatch and repeated match algorithm and overlap match. ठीक है, repeated match के अंदर एक difference था कि उसमें हम threshold select कर रहे थे, तो एक और option यहाँ पे with zero, यहाँ पे एक threshold की option भी है. ठीक है, वो आप अगर algorithm वो lecture follow करें तो it will be easier for you to learn. Thank you very much. Next lecture में हम एक और algorithm के साथ आएंगे and inshallah we will complete different types of alignment matrices algorithm which will help you to find closely related sequences, distantly related sequences, complex matches and motifs and domains. Thank you very much. Assalamu alaikum.